जो भाव में गत किछि दिन हेला लद्दाख भारत और चीन मध्ये लागी रही विवाद आहुरी घनीभूत होइछि। सोमवार राति दुई देशर सीमा भितर होइछि हिंसात्मक संघर्ष। एथिरे भारतीय सेनार जने अफिसर एवं दुई जना जवान शहीद होइछन्ती। चीन भी निजर किछि जवानक मृत्यु होइथिबा मध्ये कहिछि। गोटे पटे सीमार उत्तेजना, अन्य पटे स्थितिर मुकाबिला पई दिल्ली में बसिछि प्रतिरक्षा मंत्रालयर गुरुत्वपूर्ण बैठक। लद्दाख रे बढ़िला उत्तेजना, एलएसी रे हिंसात्मक संघर्ष। भारतर तीन जवान शहीद, चीनर भी पांच सैनिक मृत। गत किछि मास हेला लागि रहिथिबा भारत चीन सीमा विवाद नेइछि अधिक गंभीर रूप। चीन को लागिथिबा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बा एलएसी रे लद्दाख रे अधिक बढ़ी जाइछि उत्तेजना। सोमवार राति रे दुई देशर सैनिकक भितर होइछि हिंसात्मक संघर्ष। एहि संघर्ष रे शहीद होइछन्ती भारतीय सेनार जणे कर्णल और दुई जन जवान। एक घटना सोमवार राति से जितेबाला गलवान घाटी निकट में दुई देश भितर आलोचना परे परिस्थिति स्वाभाविक आड़ को गति करुला। केवल भारतीय जवान नुहंती, संघर्ष में चीन पांच जन सैनिक प्राण हर आहरी किसी सैनिक आहत भी होती। तेरे ही संघर्ष समय कौन प्रकार फायरिंग होना, अर्थात हाताहाती भितर ही दुई पक्षर हो क्षति। हमको इस चीज का, हमने बहुत स्ट्रांग रिप्लाई चाइना को देना चाहिए और इस चीज का चाइना को जरूर कुछ ना कुछ भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपने हमारे एक कर्नल रैंक का ऑफिसर और हमारे दो जवान इनको आपने शहीद करवाया है, तो आप ऐसे ही नहीं बच पाएंगे। भारतीय सेना पक्ष जारी विधिवत बयान रे कहा जाय छी जे गलवान घाटी रे सोमवार रात डीएस्केलेशन प्रक्रिया समय रे भारत और चीन सैनिकों भितर हिंसात्मक संघर्ष होला। इस समय रे भारतीय सेनार जन अफिसर और दुई जन जवान शहीद हेले। दुई जन वरिष्ठ सैन्य अधिकारी परिस्थिति शांत करने को चीन सह बैठक करिछन्ती। घटना पर सामना को आसी चीन विदेश मंत्रालय बयान। उलटा भारत उपर अनुप्रवेश नहीं अभियोग आनी बेजिंग। चीन कही जे भारतीय सैनिक सीमारेखा अतिक्रम करी चीनी सैनिकों ऊपर आक्रमण करते भारत एमती स्थिति में एकतरफा कार्यानुष्ठान न करू। The Chinese had come with a intention of staying put, and India has made it very, very clear to China that there is no question of our giving in to any of their demands. We are not going to stop the infrastructure development work on our side, nor are we going to butter away an inch of our territory. Chinese would have to vacate the aggression at all cost. गोटे पटे सीमारे उत्तेजना, अन्य पटे दिल्ली रे बढ़िछि हलचल। प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अध्यक्षतार बसिथिबा जरूरी बैठक रे वैदेशिक व्यापार मंत्री एस जयशंकर, सीडीएस बिपिन राउत और तीन सेनार मुख्य जोगदे एलएसी रो स्थिति बाबदरे करिछन्ती आलोचना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया।